Hello everyone, welcome to Next Gen Study. And in today's video, we'll be discussing on the topic injurious sign domino. We will learn what is injurious sign domino. The cases in this axiom, namely Ashby versus White, Marzetti versus Williams, Ashraf Ali Lal versus Municipal Corporation of Agra, and the difference between domino sign injuria and injurious sign domino. Now, let us understand what is injurious sign domino. Injurious sign domino is a violation of a legal right without causing any harm, loss, or damage to the plaintiff. And whenever any legal right is infringed, the person in whom the right is vested is entitled to bring an action. तो ये लैटिन मैक्सिम सिंपली इतना कहता है कि अगर किसी इंसान का लीगल राइट उसे छीना जाए या फिर उसको डैमेज किया जाए तो वो इंसान एक सूट फाइल कर सकता है, इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द पर्सन जिसने वैसा डैमेज किया हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज रॉन्गफुली डिटेन्ड अगेंस्ट हिज विल, देन इवन इफ ही सफर्स नो लॉस ड्यू टू द डिटेंशन, ही कैन क्लेम फॉर सब्सटैंशियल डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैक्सिम बेटर विद द हेल्प ऑफ सम केसेस. Ashby versus White, ये 1703 का केस है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग केसेस इन अंडर द मैक्सिम ऑफ इंजूरियस साइन डैमनो. तो इसमें जो Ashby था, ही वॉज अ क्वालिफाइड वोटर फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस विच वर बीइंग कंडक्टेड. और जो डिफेंडेंट था वो एक रिटर्निंग ऑफिसर था. सो लेट अस अंडरस्टैंड हु इज़ अ रिटर्निंग ऑफिसर फर्स्ट. सो रिटर्निंग ऑफिसर इज अ पर्सन हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस. तो उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया प्लेंटिफ का वोट लेने से. अब प्लेंटिफ को ऑल्दो कोई नुकसान नहीं हुआ, सिंस उसे जिस कैंडिडेट को वोट करना था वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुका था, बट स्टिल द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लायबल. इट वॉज कंक्लूडेड दैट डैमेज इज नॉट मेयरली पेक्यूनियरी बट इंजरी इम्पोर्टेंट डैमेज. So when a man is hindered of his right, he is entitled to remedies. It means कि अगर कोई इंसान से उसका rights छीन लिया जाए तो he is entitled to get remedies. यह held हुआ था इस केस में. The next case which we'll read is Marzetti versus Williams. ये 1830 का केस है. तो जो plaintiff था वो एक customer था एक bank का, and उसने एक self check, मतलब उसने एक चेक इशू किया अपने नाम का एज ही वॉन्टेड टू विड्रॉ मनी. दो उसके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस था, जो डिफेंडेंट था जो बैंकर था उसने रिफ्यूज़ कर दिया प्लेंटिफ को पे करने से बिना किसी रीज़न के. अब इस केस में प्लेंटिफ को कोई मॉनेटरी लॉस तो नहीं हुआ, बट स्टिल द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द बैंकर फॉर डैमेजेस. इट वॉज हेल्ड इवन दो प्लेंटिफ को कोई लॉस नहीं हुआ मॉनेटरी, बट डिफेंडेंट इज लायबल फॉर रिफ्यूजिंग कस्टमर्स चेक एंड देयरफॉर कमिटेड अ टॉर्ट. ओके, सो द लास्ट केस विच विल रीड फॉर टुडे इज अशरफ अली लाल वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा. ये 1921 का केस है, एंड दिस केस इज़ वेरी सिमिलर टू Ashby वर्सेस White. तो इसमें जो प्लेंटिफ था उसका नाम वोटर लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया विदाउट एनी रीजन. सो द प्लेंटिफ कुडंट एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट. नाउ द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट कॉरपोरेशन, दैट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फॉर कंपनसेशन. अब इस केस में कोर्ट ने Ashby वर्सेस White का प्रिंसिपल, दैट इज इंजूरियस साइन डैमनो का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया, एंड द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल. नाउ दैट वी हैव रीड बोथ द मैक्सिम्स Damnum sign injuria and injurious sign domino, let us understand the differences and compare the two. So damnum sign injuria refers to the damages suffered by the plaintiff, but no damage is being caused to his legal right. That is, there is no violation of any legal right. Injurious sign domino mein there is a legal injury caused to the plaintiff without any damage, that is without any physical injury. Damnum sign injuria, it is the losses suffered without the infringement of any legal right, hence creating no cause of action. तो damnum sign injuria में कोई cause of action नहीं होता है,
while injurious in damnum is infringement of a legal right, where even if no loss has been suffered by the plaintiff, still creates an actionable cause. तो अगर इसमें प्लेंटिफ को कोई नुकसान ना हुआ हो बट उसकी कोई लीगल राइट वॉयलेट हुई हो, दैट इज एनफ ग्राउंड टू क्रिएट एन एक्शन. डैमनम एंड इंजूरिया इज द मैक्सिम फॉर द मोरल रॉन्ग्स विच हैव नो एक्शन इन द आईज ऑफ लॉ, वाइल इंजूरिया एंड डैमनो इट इज द मैक्सिम फॉर द लीगल रॉन्ग्स विच आर एक्शनेबल इफ द पर्सनस लीगल राइट हैज बीन वॉयलेटेड. अब डैमनम एंड इंजूरिया में देर इज नो कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ एनी डैमेजेस, वाइल इन इंजूरियस एंड डैमनम देर आर डैमेजेस अवॉर्डेड बाय द कोर्ट. अब डैमनम एंड इंजूरिया का प्रिंसिपल ये है कि इफ अ पर्सन एक्सरसाइजेस हिज राइट्स इन सच अ मैनर एंड स्टेज इन रीजनेबल लिमिट्स विच डज नॉट ग्राउंड एक्शन इन टॉर्ट मियरली बिकॉज इट कॉजेज डैमेजेस टू अदर पीपल. एंड इंजीनियस एंड डैमनो का प्रिंसिपल ये है कि वेन एवर देर इज एन इन्वेशन ऑफ अ लीगल राइट देर क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन एंड द पर्सन हुज राइट इज इन होम द राइट इज वेस्टेड इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल if you want the PDF to all the content we upload, and follow us on Instagram, and don't forget to hit the bell icon to get all the latest notifications from our channel. Thank you.